अच्छी तो जी कह रहे हैं अगर मन की खाएगा यानी कोई यहाँ घर है वहाँ से अच्छा यहाँ पुराने वाले घर पे है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब हमारे जो किचन गार्डन है सगड़े हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में है। ये वाला घर हमने इसलिए छोड़ा क्यों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे पहाड़ी किचन से मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। आज बारिश का मौसम है, आज काफी सुहाना मौसम है और सामने से धूप भी आ चुकी है। तो यहाँ पे जी भी हैं। हेलो वाला, हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो? अजी के हाथ में एक दवाई भी है, तो इसको क्या बोल देने जीते था यो हो कुना भी बोल पे सोले मुंगरी। अच्छा इन्हें दिखा दो। तो जी ज्यादातर घास हमारे पहाड़ों में क्या होती है कि दवाई के काम आती है, हम लोगों को इसके बारे में, मुझे भी इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, तो आज जी ने बताया कि खुजली के काम आती है, खुजली होती है तो उससे शिकायत करनी है तो घास। अच्छा ये बिस्लू सोन अगर यो को गल मान के का गो मार दे नहीं छे ना तो तेरे पट मारे। अच्छा तो जी कह रहे हैं अगर मनखी खाएगा यानी कोई इंसान खाएगा तो वो पट करके मर जाएगा। ये देखो पत्ती हटा दी और ये डंठल निकाल दी है, अभी डंठल से शिकायत करनी है जी ने। हो गए ये मोटे मोटे जी के घुन्ने बल बहुत मोटे मोटे हो गए हैं, तो देखिए कैसे शिकायत करनी ऐसे, है जी। ऐसे एलर्जी हो गई मेरे घुंडे पर, देखो ये क्या हो गया यहाँ से। तो जी तो कर रहे हैं पैर की सिकाई और मैं बना लेती हूँ रोटी, है ना जी? हाँ रोटी बोलो, रोटी खाना हो क्या खाना मुद्दा आने का है हमारे तो काम जा। हाँ अभी भी अपन सफाई कर दो क्या खाना। तो जी जा रखे हैं सगड़े में सब्जी लेने, यानी हमारे जो यहाँ पे भिंडी बो रखी हैं तो भिंडी निकाल रहे हैं जी मेरे लिए, क्योंकि जी ने भिंडी भी नहीं खानी है। तो यहाँ पे ससुर जी बैठ के धूप का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि ससुर जी अभी अभी नहाए ना, तो मैंने तो ढेर सारे कपड़े धोए। साथ में मेरी और जी की तैयारी हो रही है पुराने वाले घर पे जाने की, और यहाँ पे ना खूब सारी झंगोरे की बालियां आ रखी हैं। हम लोगों की धान की खेती है और जिनमें हमने परसों ही इसकी रोपाई की थी और अब इसमें निराई करने का टाइम भी हो चुका है। जो यहाँ अंदर खरपतवार हो रखी है उसको निकालना है। पुराने वाले घर के पास ना बहुत बड़ा गदेरा आता है बारिश में, और ये पुल भी अब अभी बना, पहले नहीं था यहाँ पे पुल, पहले यहाँ पे बिना पुल के ही हम ये जो गदेरा है उसको पार करते थे। तो हम पहुँच चुके हैं गौशाला में, अब गौशाला में हमारी भैंस नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि हम लोगों ने भैंस को बेच दिया है। तो हमारे इस वाले कमरे में घास भी अब खत्म हो चुकी है, बस इतना ही बचा हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ तो भैंस है ही नहीं खाने वाली। हम लोगों ने यहाँ से मरचू काट के ले जाना है पार के घर, फिलहाल हम लोगों का कोई काम नहीं है, सगड़े पे हम लोगों ने मरचा बो रखा था तो इसको काट के ले जाते हैं। तो जी कह रहे हैं मैं काटती हूँ और आज तू वीडियो बना। चले जी ने मरचू काट दिया है और अब हम फिर जाते हैं अपने नए वाले घर पे, और इसी मरचू के लिए हम यहाँ पे आए थे। और पहले भैंस थी तो भैंस के लिए हमको यहाँ पे आना डेली सुबह शाम दिन आना पड़ता था, अब तो वो है नहीं, तो अब जा रहे हैं हम घर।
हमारा जहाँ नया घर है वहाँ से अच्छा यहाँ पुराने वाले घर पे है हम लोगों का, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब हमारे जो किचन गार्डन है, सगोड़े हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये वाला घर हमने इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ सामने पे जो गदेरा आता ना, तो 1998 में वो गदेरा बहुत भयंकर आया था और हमारे घर के पास पूरा मलबा लेके आया था, वो यहाँ से टूटा था वो घर के बगल पे, तो हम लोगों ने डर के मारे ये वाला घर छोड़ा था। तो तब पार उधर धार वाले वहाँ बनाया, वहाँ खेत खरीदा, फिर वहाँ मकान बनाया, तो वही कारण है कि यहाँ छोड़ा। मैं आ चुकी हूँ अपने ऊपर वाली छत पे, तो ऊपर वाली छत पे हम लोगों की यहाँ पे लकड़ी रखी हुई है, तो ये लकड़ियाँ भी ले जाएंगे खास घर, क्योंकि आज अच्छी धूप खिली हुई है। तो घास तो हमेशा लाना ही पड़ता है, बकरी को देखो कैसे उछल उछल के आ रही है, बाप रे। तो ये बकरियां हैं जी की, तो जी बकरियां लेके आ गए हैं चरा के। तो जी मरसुलाए और तुरंत इसकी मंडाई भी होने लग गई है। मैं कर दूं तुम रोड़ जा। मैं अभी शाम के 3:30 हो रहे हैं और मौसम बिल्कुल खराब हो चुका है, बादल लग चुके हैं और यहाँ पे हल्की हल्की धूप भी दिखाई दे रही है। साथ में हम लोगों का चाय पीने का टाइम हो गया है, ससुर जी पी रहे हैं चाय, हम लोगों ने तो पी ली है। बाय कर बाय। तो चलिए जी, मैं तो घर से जाती हूँ कोटमा, और जी तो अब यहाँ पे अकेले हैं फिर से। ठीक है फिर, बाय।